की गाड़ी खाई में गिरने से शहीद हुए 16 जवानों में हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक जवान विकास भी शामिल है। बीती शाम को परिजनों को विकास के शहीद होने की जानकारी मिली तो परिजनों के साथ पूरा गांव शोक में डूब गया। 25 वर्षीय जवान विकास करीब 4 वर्ष पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। उसकी शादी को अभी 2 वर्ष हुए थे। जवान 6 महीने के बेटे का पिता था। वह 6 महीने पहले ही गाँव आया था। जानकारी के अनुसार भट्टू खंड के गाँव पीली मंदोरी के नहर के पास डाणी में रहने वाले किसान इंद्रराज का बेटा विकास वर्ष 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। वह खेलों में अव्वल रहता था और खेल कोटे से ही सेना में भर्ती हुआ था। इससे पहले वह वॉलीबॉल में नेशनल टीम का खिलाड़ी था। खेलों में अपने गांव का नाम रोशन कर रहा था। फिलहाल वह आर्मी में 25 ग्रेनेडियर्स यूनिट में सिक्किम में तैनात था। विकास और उसके बड़े भाई की शादी करीब 2 साल पहले एक साथ हुई थी। शादी के बाद अब विकास 6 महीने के बेटे का पिता था। बेटा उसे ठीक से पहचानने लायक भी नहीं हुआ था कि विकास शहीद हो गया। अंतिम बार विकास अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए करीब 6 माह पहले गांव आया था। तब गांव में अपने सभी पुराने दोस्तों से मिला, लेकिन किसे पता था कि उसकी वह अंतिम मुलाकात होगी। अब बता दें कि बीते दिन सेना के जवानों का एक दल ट्रक में सवार होकर सिक्किम के जेमा से थंगू के लिए निकला था। ट्रक के साथ आर्मी की 2 वैन भी थी। एक तीखे मोड़ पर ट्रक बेकाबू हो गया और खाई में जा गिरा। ट्रक में सवार 16 जवान इसमें शहीद हो गए। इस हादसे में हिसार के गांव सिंदौल का महावीर भी शहीद हुआ है। जवान विकास के पार्थिव शरीर कल पैतृक गांव में लाने की संभावना है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है।